रात्रि गश्ती के क्रम में गिरिडीह के ताराटांड थाना पुलिस ने बुचवरिया से चार अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी रविवार को गांजे पुलिस इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर ने पापड़वाटांड पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि बुचवरिया में लगे ट्रांसफार्मर का फ्यूज काट कर ट्रांसफार्मर का तेल निकालते हुए रंगे हाथ चार अपराध कर्मी को पकड़ा गया है। बाद में इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। बिजली विभाग द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में ताराटांड थाना कांड संख्या 35/2022 दर्ज किया गया है। पकड़ाए गए चारों अपराध कर्मी द्वारा दिए गए अपने अपराध को स्वीकार कर बयान में इस घटना के अलावा अन्य इस तरह के कांडों में अपने अन्य साथियों के साथ अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बताया गया कि इस घटना से बिजली विभाग को लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की पहचान जाता खूंटी के सुनील मुर्मू, नूनू लाल हांसदा, मतला हांसदा उर्फ राहुल हांसदा व कर्माताड़ निवासी प्रभु हांसदा के रूप में की गई है। बताया गया कि इनके पास ट्रांसफार्मर का तेल लगभग 70 लीटर, ट्रांसफार्मर का तेल निकालने का सामान, एक लाल रंग का हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल और एक लाल रंग का सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में ताराटांड थाना प्रभारी विकास कुमार पासवान, एसआई साकेत कुमार समेत कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। कुछ महीनों से गांडे अंचल के अलियापुर ताराटांड क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ गई। ट्रांसफार्मर का तेल हो या क्वाइल हो, उसकी चोरी करने से उस पूरे क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती होती रही और इसका पूरा भार जो है तो पुलिस प्रशासन पर था। लोग पुलिस प्रशासन की ओर देख रहे थे। इसमें ताराटांड पुलिस बहुत अच्छा काम की है और रात्रि गश्ती के दौरान दिनांक 16/7/22 को शक के आधार पर दो आदमी से पूछताछ किया और उस दोनों आदमी के पूछताछ पर रंगे हाथ ट्रांसफार्मर का वाल्व खोल करके तेल निकालते हुए तेल और उसका सामान दो मोटरसाइकिल के साथ चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें कनीय अभियंता के लिखित प्रतिवेदन पर ताराटांड थाना कांड संख्या 35/22 दिनांक 16/7/22 धारा 379 411 427 34 भादी का दर्ज किया गया है और अनुसंधान में और लोगों की संलिप्तता की बात आई है जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये चारों जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये सुनील मुर्मू, नूनूलाल हांसदा, मतला हांसदा, प्रभु हांसदा, ये सभी मनियाडीह थाना क्षेत्र जिला धनबाद के हैं। जो सामान बरामद हुआ है वो ट्रांसफार्मर से तेल लगभग 70 लीटर का निकाला हुआ तेल 70 लीटर, ट्रांसफार्मर से तेल निकालने का सामान यानी कि एक पाइप, एक कीप एवं एक छोटा प्लास और दो मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल से लोग आए थे और तेल निकालते थे मोटरसाइकिल से ले जाते, इसी बीच में रंगे हाथ निकालते हुए पकड़े गए। आशा है कि इससे क्षेत्र में बिजली सामानों की चोरी पर अंकुश लगेगा और लोग शांति से रह पाएंगे।